Very good morning, students. Today we are going to learn how to draw this design. So in this drawing, I am going to use wax crayon colors. So here we start our drawing. तो यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया है वैक्स क्रेयन कलर्स एंड आप इस ड्राइंग में कोई भी कलर्स कर सकते हैं अपनी चॉइस का एंड मैं यहाँ पर कर रही हूँ वैक्स क्रेयन कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो हमें पहले से पता है कि यहाँ पर जो कलरिंग का मेथड होता है वो सेम रहता है। सबसे पहले हम करेंगे आउटलाइन इस तरह से एंड बहुत ही धीमे से करना है एंड पूरे फोकस के साथ कि जो आउटलाइन कर रहे हो तो ये जो पोर्शन है उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये मैंने किया कंप्लीट एंड ये अंदर का पोर्शन मैं कर रही हूँ। ये पोर्शन हो गया कंप्लीट एंड कलर करने के टाइम जो आपका डायरेक्शन है वो एकदम सेम रहना चाहिए तो मैंने ये वाले डायरेक्शन का यूज किया है। तो ये हो गया पोर्शन कंप्लीट। जब मैंने ये एक बार कंप्लीट कर दिया देन अगेन आपको इसके ऊपर कलरिंग करना है ताकि आपकी जो कलरिंग है उसका एक फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार कलरिंग कर रही हूँ इसके ऊपर ताकि पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड है वो ना दिखे एंड आपका जो ड्राइंग है उसका एक अलग लुक आए। तो ये पोर्शन हमारा हमारा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर नियॉन ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर भी सेम मेथड का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले करेंगे इनसाइड आउटलाइन लाइक दिस। देन आफ्टर वी विल कंप्लीट इनसाइड दिस पोर्शन लाइक दिस and direction should be same। then यहाँ पर ये जैसे complete होगा एक बार फिर से हम इसके ऊपर कर देंगे coloring ताकि हमारी जो drawing है उसकी एक अलग finishing आए। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया complete एंड इसी तरह से जो बाकी का पोर्शन है वो आप कर देंगे फिनिश अपनी ड्राइंग में। बट मेथड सेम रखिएगा, सबसे पहले करना है इनसाइड आउटलाइन देन आफ्टर आपको अंदर का पोर्शन कंप्लीट करना है वो भी एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा आउटलाइन। सो फॉर द आउटलाइन आई एम गोइंग टू यूज स्केच कलर, ब्लैक स्केच कलर। इफ यू डोंट हैव ब्लैक स्केच कलर देन यू विल यूज ब्लैक पेन instead of sketch color and यहाँ पर हम करेंगे outline। So here we can see our drawing is completed and you will complete this drawing in your drawing book and use black sketch color for the outline and wax crayon colors for the coloring and do the color very slowly and carefully। Thank you।